और सारा पानी भर रहे खड़े खेत में, सब नहीं बाहर निकल जाम भूखे से सारे बेमार आदमी यहाँ पड़े, कोई दिखाने को भी नहीं आएगा। अभी रीस रावत का हमने इतना साथ दिया है, रीस रावत ने कोई काम नहीं करा, मुख्यमंत्री बन के भी उसने कहा दो रोटी का सक्का पता नहीं मुझे मिलेंगी नहीं मिलेंगी। जो मुख्यमंत्री कह रहा है भी मुझे दो रोटी नहीं मिलेंगी, दुनिया को क्या देगा वो? तो कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है तो क्या करेंगे सपोर्ट करके? अभी प्रत्याशी बनाया गया ना सुभाष चौधरी, नहीं सुभाष चौधरी जी है, उन्हें कौन जानता है यहाँ पे, हम तो जानते नहीं। कई बार ऐसा होता ना कि आपको तो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए ऐसा कई बार बोलते हैं, या कांग्रेस सपोर्ट करना चाहिए या बसपा को सपोर्ट करना चाहिए ऐसा लोग बोलते हैं, आप लोग उमेश कुमार की बात कर रहे हैं। हमारे लिए वो इच्छा जो हमारी दुख तकलीफ को समझेगा, ठीक है, उमेश भाई ऐसे हैं जो हमने हमारे बीच आए, हमारी दुख तकलीफों को समझा उसने, इसलिए हम उमेश भाई के साथ हैं। यहाँ पर एक स्टोरी, ये भाई साहब हैं जो सपोर्ट करते थे कांग्रेस को, ये भाई साहब सपोर्ट करते थे बीजेपी को, दोनों लोग साथ में खड़े हैं, मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों साथ में खड़े हैं। दोनों लोग का ये कहना है कि भाई ना हम बीजेपी को वोट करने वाले हैं ना ही कांग्रेस को वोट करने वाले हैं, इस बार हम निर्दलीय उमेश कुमार। नमस्कार, मैंने बताया था आपको कि जब हम किसी विधानसभा में जाते हैं हर गांव में अलग अलग नेता के समर्थक मिलते हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने बात की थी दल्लावाला के गांव के लोगों से, ग्रामीणों से, बच्चों से भी बात करने की कोशिश की थी, और अब हम पहुंचे हैं जोगावाला। अब जोगावाला में लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर यहां पे लोग किसके समर्थक हैं। हालांकि जोगावाला दल्लावाला से कहीं ना कहीं एडजेसेंट है, तो उसका इम्पेक्ट कहीं इस पर तो नहीं है या कुछ नया यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, ये सब भी जानेंगे। ठंड का मौसम है, देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है गांव में जब आप आते हैं एक साथ जब लोग बैठे रहते हैं तो ठंड के मौसम में आग जो है बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि किसी तरीके से ठंड ज़्यादा न लगे। भाई हम तो सीधे साधे गांव के आदमी हैं, हमें ना पता बीजेपी कांग्रेस क्या है, हम तो उसके पीछे हैं। बीजेपी कांग्रेस छोड़ करके मैं नेताओं का नाम ले लेता हूँ, पहले सुभाष चौधरी जी। नहीं जानते आप? नहीं जानते तो होंगे आप? नहीं जानते, हम तो सिर्फ एक उमेश भैया को जानते हैं, उसी के पीछे हैं हम तो बस। रविंद्र पनियाला जी बहुत टाइम से आ रहे हैं। हाँ वे आ रहे हैं, बहुत जैसे भी आए, जब हमने 20 साल हो लिए ने देख, तो अब इसकी बार को इसे देखेंगे। चैंपियन जी? नहीं 20 साल हो लिए ने वोट देते हो ये तो आपने पनियाला रविंदर पनियाला जी को तो वोट नहीं दिया ना आपने, रविंदर पनियाला जी को वोट किया कि नहीं किया? पनियाला हमने नहीं दिया बेचारों को, हमने उसे नहीं कह दिया, अभी कुछ नहीं दिया। नहीं किसको वोट देंगे फिर? उमेश भैया को बस, उसके पीछे हैं कि उसे देखें क्या होगा। 20 साल हो लिया उन्हें देखते हुए, तो ये भी कहे उमेश भैया को देखते हैं। क्या कह रही है? मगर बदलाव करने के मैं उसे देखेंगे भी क्या, मैं क्या करेंगे बेचारे। बदलाव ही करना है तो किसी और पार्टी के किसी और नेता का कर लीजिए। तो इसमें उसकी उसमें क्या रह गया? हाँ उमेश भैया को देखा देखेंगे वोट। चलो क्या क्या कह रहे हैं? मगर सबके जागरूक तो काम मिलना चाहिए, सब पढ़े लिखे जागत नहीं फिर रहे सब, और सबको यहाँ से खेती होनी चाहिए, और सारा पानी भर रहे खड़े खेत में, सब नहीं बाहर निकल जाम भूखे से सारे बेमार आदमी यहाँ पड़े, कोई दिखाने को भी नहीं आएगा पापा अभी ऐसा है। मेरे तो यही कहवत थी, मेरे जागतों को काम मिलना चाहिए, कहीं नौकरी चौकरी मिलनी चाहिए ना। जैसे आप लोग फिर वोट करते हैं या नहीं करते, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। वोट क्यों नहीं करेंगे? हाँ जी ऐसे ही उमेश को देंगे, तो किसी और को भी तो वोट करेंगे उमेश को देंगे हम तो। हाँ हमने किसी को भी देना क्या क्या कह रही है? हम तो उमेश को ही करेंगे, सारी वोट उमेश को ही करेंगे। 17 दिन दी उसे, पर उसे भी रानी को भी जब से संभाली उसे देते आ रहे, कुछ नहीं करा उसने हमारा। हम हाँ मारे क्या कर दिया, पानी में भूखे मर रहे, डंगर मारे भूखे मर रहे, रानी कौन से जब तक पानी आ रहा बड़ा, रानी हमें कोई नहीं देखना आती, ना कोई रानी आती ना कोई परनो आता, कौन है? हमारे बच्चे भी भूखे, हमारे डंगर भी भूखे, और हमारे बच्चे इंगे तिंगे फिरे जो पढ़ रहे। तरफ का बांध बांधवावेंगे तो क्यों नहीं बंधवाया? दूसरी योजना ली बता, क्यों नहीं बंधवाया? रानी ने यही कहकर गई थी, इब कम इसी मैं उमेश कुमार को देवेंगे वोट। कुछ नहीं है, सब भूखे मर रहे हैं यहाँ, कुछ नहीं है, सब भूखे मर रहे हैं यहाँ, तो जब फसल नहीं, कोई मजदूरी नहीं, कुछ नहीं। चलो इस बार अच्छा चलिए चाचा जी आ गया, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि नाम क्या है आपका? उल्फत अली।
अच्छा, तो उल्फत अली जी आप जो है इस बार किस पार्टी को वोट करेंगे? भाई हम इसे उमेश भैया को। कांग्रेस को नहीं करेंगे आप? ना। बीएसपी को? किसी नहीं करेंगे, हम तो भाई से ही देंगे वोट। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुभाष चौधरी जी। देख भाई हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम कोई जानते नहीं कुछ, हम तो देख इसे ही देंगे वोट। रीश रावत का हमने इतना साथ दिया है, रीश रावत ने कोई काम नहीं करा, मुख्यमंत्री बन के भी उसने कहा दो रोटी का साक्का पता नहीं मुझे मिलेंगी नहीं मिलेंगी। जो मुख्यमंत्री कह रहा है भी मुझे दो रोटी नहीं मिलेंगी, दुनिया को क्या देगा? वो कुछ नहीं देने का दुनिया को, वो उसे कौन दे देगा वोट? उसे कोई नहीं देने का, हम देंगे हजार जाले को रमेश को वोट देनी है। जो कर्जा माफ करेगा, कर्जा माफ करेगा तो जो ये मुआवजा देगा जमीन का, जो तीन फसल मरी है, मूंजी मरी है, गन्ना मरा है, गेहूँ भी आके खत्म होगी, किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ देखा नहीं, उसे हम वोट नहीं देने के। पुराने आदमी को वो सब भोंकते हैं, काम कोई नहीं करता, हम इसे रमेश को वोट देंगे आपके। इसने नदी खोदी है, ये कोई अधिकारी नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, इसने अपने लोगों ने करवा के वो नदी खुदवाई है। हैं, तालाब का क्या किया जरा बताओ? तालाब ठीक चल रहा है और नदी खुदी गई है, पानी पाली जो है सीधा गांव में आता है, हर साल 2010 से पाली आ रहा है सीधा, जो यूपी क्षेत्र का पाली है सारा उत्तराखंड क्षेत्र पे आ रहा है, ठीक है। अब वो नदी खुदी है तो अब लोग बाग कह रहे हैं हम उमेश पत्रकार को वोट देंगे आपकी बात, ठीक है। तो 2010 से कोई सरकार का कोई पार्टी का कोई आदमी नहीं आया, कोई सी पार्टी का पहले कोई नहीं आया, अब क्या आई है तो उमेश पत्रकार जी आए उन्हें वोट दी जाएगी। अब वोट का टाइम आया है तो घर घर घूमते हैं, पहले कोई नहीं आया, अरविंदर है 5 साल के बाद में एक दिन दर्शन दिए, वो भी हंस के चल गया, हमें भुक्के मरतों को देख के उसने हंस के दिखाया है, हमें हंस के दिखाया। यो रमेश हजार लेके घूम रहा है, घर घर यहाँ चक्कर लगा रहा है, 15 दिन में 5-7 दफा आता है और कोई नहीं आता है। वो यहाँ का स्थानीय है तो नहीं है ना, यहाँ के रहने वाले? परनो तो यहाँ का था, परनो ने कोई काम नहीं करा, चैंपियन है, कोई काम नहीं करा उन्हें, बोर्ड वैसे लगा दे मिट्टी गिरवा दे, मिट्टी भी नहीं गिरवाता, वो जेब में चले गए, कुछ नहीं किया है, बोर्ड लगा के चले गए, सड़क पास नहीं हुई है। अब कल कह गए लोग, कह रहे हैं 2 दिन के बाद सड़क आ जाएगी, 2 दिन में क्या आएगी जो एक मेले से ले जा पाई है, 1 साल हो गया अभी तक ले आई, क्या करा है? कुछ नहीं करा इन्होंने, सिवाय झूठ बोलने से कुछ नहीं करा इन्होंने, झूठ बोलते हैं, कभी नोटबंदी कर दी, कभी चौदबंदी कर दी, और क्या करते हैं ये, कहीं कहीं मंदिर बनाते हैं, कहीं मस्जिद तोड़ देते हैं। कांग्रेस बीजेपी से नफरत है तो बसपा को दे दीजिए, इसे देंगे रमेश को देंगे, हजाज वाले को देंगे आपके वोट, नमाज चुनेंगे इन्हें, प्रेरणों को जो बुढ़े आदमी है प्रेरणे इन्हें दफा कर देंगे, काट देंगे ने, जितनी लंबी दाढ़ी है उतना काम नहीं करते ही हो, झूठ बोलते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि बाकी जो भाई अगर आपको बीजेपी कांग्रेस से दिक्कत है तो बसपा भी तो पार्टी है। हम देंगे इसे देंगे, रमेश को देनी है वोट, किसी को नहीं देनी, उमेश कुमार रमेश को देनी है, उमेश कुमार को क्यों देनी, चलो बता दो। इन्होंने गवर्नमेंट से खदवाई है सरकारी नदी, गवर्नमेंट ने खोदी है, इन्होंने कोशिश करके खदवाई है, अभी उनकी मशीन चल रही है कोशिश से, हैं तो हम उन्हें देंगे। जो 20 साल से परनो बनता आ रहा, इसने कोई काम नहीं करा, जो प्रधानमंत्री योजना की सड़क बनी हुई है, ये कह रहा मैंने बनाई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जसवंत सिंह। अच्छा, हाँ, आप जो है वोट करेंगे? हाँ, उमेश कुमार को करेंगे, ये नहीं हमारा गाँव टोटल करेंगे, यहाँ से लेके लक्सर तक जितने आदमी हैं टोटल होंगे ही जाएंगे, इसी हिसाब से विधायक बन जाएंगे वो, बने चाहे ना बने वो तो बाद की बात है, बनाओगे भाई? हम अपना जोर मगर विधायक बनाओगे पे? हाँ, विधायक बनाएंगे जी उमेश कुमार जी को। हाँ, दो आँख है हमारी, चश्मा लगा के 4 होगी, बात हम कर रहे नू, सारे गांव में कितने आदमी होते हैं, एक आदमी के लारे या 2 आदमी के लारे बात कर रहा है तो उसने उसे उन्हें पैसा दिया होगा, जब उन्होंने खाया हुआ उनके लारे बात कर रहा है, ये दुनिया जो उनसे ये पागल है, ये हम पागल हैं? परनो जो बात करता है ना ऊपर आँख साख करता है तो वो हम पागल हैं? पागल नहीं है हम, सारा गांव पागल बना के 20-25 साल तक क्या करा है, ये सोसाइटी टुकड़ी सी बना दी, ये प्रधानमंत्री की योजना की सड़क है, प्रधानमंत्री की लैट है। आप जो है क्या कहना चाहोगे कि भाई किसी और पार्टी को भी तो वोट कर सकते हो या किसी और? उमेश कुमार को करेंगे, कांग्रेस भी देख ली, बीजेपी भी देख ली,
ये सब झूठ झूठ बोलते हैं। टुटा सा हजार भेज दे पाकिस्तान में। पार्टी तो चाहे कोई कोई क्या नाम है पार्टी तो चाहे कोई से बनो, बीजेपी बनो चाहे कांग्रेस बनो, आपका हमारा मेन मकसद ये है कि हमें आपका विधायक बदलना। मेन मकसद हमारा ये है, हमें विधायक चेंज करना यहाँ से, बस और कुछ नहीं। आपने भगवा यहाँ पे लगा रखा है तो बीजेपी को वोट करोगे? बीजेपी से मतलब भगवा से इससे कोई संपर्क नहीं है, फिलहाल ठंड हो रही है इसमें ठीक है जी, अब कोई भी मिला ढक लिया ठीक है, लेकिन हमारी वोट सिर्फ श्री उमेश कुमार शर्मा जी को जाएगी। इस बार आप उमेश शर्मा की बात करो, इसके पहले आप किसको सपोर्ट करते थे? पहले प्रणव सिंह को जी, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को पहले चैंपियन। हाँ जी, उनको देख लिया, पाँच साल पूरे दस पंद्रह साल हो गए फसल मरती को, दस पंद्रह साल हो गए फसल मरती को। पटवारी यहाँ से है वो किसी को मुआवजा नहीं देता। भी चर्चा करूंगा मैं, क्या क्या, क्या? आपका नाम क्या है? शमशेर अली। शमशेर अली जी, आप किसको वोट देंगे? हम उमेश कुमार को। जैसे एक मैं राजनीतिक के तहत एक सवाल कर रहा हूं, कई बार जो हिंदू मुस्लिम की जो है भारतीय जनता पार्टी कभी कोई करती है कभी कांग्रेस करती है, और ऐसा कहा जाता है कि भाई मुस्लिम समाज जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को वोट करेगा। कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते थे हम, आपके कांग्रेस पार्टी में कोई अच्छा विधायक नहीं है, क्या कोई नेता नहीं है, इसलिए हम उमेश भाई को करें सपोर्ट। अच्छा, हाँ खुल्ला में खुल्ला। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा व्यक्ति आपको कांग्रेस में नहीं दिख रहा? अच्छा व्यक्ति कोई कांग्रेस में नहीं है हमारे हिसाब से, तो कोई है नहीं। अच्छा, करते हैं आप कांग्रेस को सपोर्ट? कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, और अगर कोई अच्छा विधायक आता, कोई नेता आता अच्छा, तो उसे सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को ही, क्योंकि कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है तो क्या करेंगे सपोर्ट करके। पे अभी प्रत्याशी बनाए गए हैं ना सुभाष चौधरी जी? नहीं, सुभाष चौधरी जी है, उन्हें कौन जानता है यहाँ पे, हम तो जानते नहीं, ये आए भी हमारे पास पहली बार, पहले तो कभी हमने देखे भी नहीं। ये उमेश भाई भी पहली बार आए, इन्होंने काम करा कर, हम ये बनने से पहले ही काम करा उन्होंने, पाँच चार करोड़ रुपये उन्होंने लगा दिया अपने तरफ से, और बनने से पहले जो यहाँ से विधायक ने बन के भी नहीं करा कुछ, जो 20 साल हो गए विधायक को बने हुए। है कि भाई आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बार आप उमेश कुमार जी को सपोर्ट करेंगे? जी, उमेश कुमार जी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, एक और भाई आपसे भी पूछूंगा मैं कि आप जो है किसको सपोर्ट करेंगे, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? उमेश कुमार जी। पार्टी बता दीजिए। पार्टी को निर्दलीय आ रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करेंगे। जैसे भाई देखिए, ये हिंदू मुस्लिम का संगम और सब चीजें देखनी पड़ती है, और राजनीति में सब एक हैं। मतलब आप लोगों ने क्या कह रहे हैं? काम को सलाम है, मैं उमेश भाई काम कर रहे हैं, बढ़ने से पहले काम कर रहे हैं तो वोट उन्हें मिलेगी। कह रहा हूँ कि आप जो है कई बार ऐसा होता ना कि आपको तो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए ऐसा कई बार बोलते हैं, या कांग्रेस सपोर्ट करना चाहिए या बसपा को सपोर्ट करना चाहिए ऐसा लोग बोलते हैं, आप लोग उमेश कुमार की बात कर रहे हैं? हमारे लिए वो इच्छा है जो हमारी दुख तकलीफ को समझेगा, ठीक है। उमेश भाई ऐसे हैं जो हमने हमारे बीच आए, हमारी दुख तकलीफों को समझा उसने, इसलिए हम उमेश भाई के साथ हैं। पहले किसको सपोर्ट करते थे? पहले सर बीजेपी को सपोर्ट करते थे। यहाँ पर बताऊंगा मैं एक स्टोरी। ये भाई साहब हैं जो सपोर्ट करते थे कांग्रेस को, ये भाई साहब सपोर्ट करते थे बीजेपी को, दोनों लोग साथ में खड़े हैं। मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों साथ में खड़े हैं, दोनों लोग का ये कहना है कि भाई ना हम बीजेपी को वोट करने वाले हैं ना ही कांग्रेस को वोट करने वाले हैं, इस बार हम निर्दलीय उमेश कुमार जी। उमेश कुमार जी, रमेश कुमार ने जो कहा है, इन लोगों को मैं कर्जा माफ करूंगा, बिजली के बिल माफ करूंगा, हैं जो मुआवजा वो दूंगा पटवारी को। यही कहानी है जो द न्यूज वाला नेटवर्क पर आप देखते रहेंगे दोस्तों। एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला, बीजेपी के सपोर्टर भी बगल में है, कांग्रेस के सपोर्टर भी बगल में है, और गांव के जुग्गा वाला गांव है, खानपुर विधानसभा का क्षेत्र है, यहां पर लोग एक तरफा साफ साफ एक बात कह रहे हैं कि भाई हम सपोर्ट करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार जी को। तो बड़ी बात है ये, कहीं ना कहीं कि भाई बीजेपी कांग्रेस का तोड़ यहाँ पर टूट रहा है, जोड़ भी टूट रहा है, यानी कि जाएगा कहाँ? निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर। देखना होगा कि विधायक खानपुर का बनता कौन है, हॉट सीट बन चुकी है खानपुर विधानसभा, पूरे उत्तराखंड में खानपुर की तरफ लोगों की निगाहें हैं, लेकिन ये दो गांव हैं जहां पर हमने भ्रमण किया, जुग्गा वाला में आज हम आए हुए हैं, इस वक्त हम बात कर रहे हैं ग्रामीणों से, लोगों से बात कर रहे हैं, और ऐसी बातें हम आपको दिखाते रहेंगे, और अन्य गांव में भी जाएंगे दोस्तों, और खानपुर विधानसभा के अन्य गांव में जाकर भी बताएंगे वहां पर आखिर किस पार्टी
किस व्यक्ति को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी पूरी जानकारी के लिए द न्यूज़ ऑल नेटवर्क को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।